आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। मैं अपने तरफ से 15 अगस्त के यौम आजादी के मौके पे मैं सभी भिवंडी के लोगों को, देशवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही अमन शांति और भाईचारा को कायम रखते हुए ये 15 अगस्त का उत्सव दिवस मनाएं और आपसी भाईचारा को कायम रखें। जिस तरीके से हम 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं, यौम आजादी को याद करते हैं, उसी तरह से हम अपने शहीदों को भी याद करें और जिन महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई है, जिसका आज हम उत्सव मना रहे हैं, उनके आदर्शों पर और उनके मार्गदर्शन पर भी हमें चलना चाहिए और उन्हें भी याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सारे भारतवासी और मेरे भिवंडी वासियों को मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हो। लेकिन 14 तारीख जो कालनी का दिन था, उसको भी सभी लोगों ने याद करना चाहिए और हर घर पे झंडा लहराना चाहिए। अगर जिसके घर पे झंडा ना हो, मेरे ऑफिस पे आके लेके जाए। आणि तसेच आपल्या देशाचा आपण जेव्हा राष्ट्रीय ध्वज फडकवतो त्यावेळी तो नित्य नियमावेळी तो फडकावा आणि तो व्यवस्थित खाली उतरावा, हीच माझी, आणि त्याचा अवमान न होता तो उतरला पाहिजे आणि त्याचा सगळ्यांनी आदर करावा आणि कुठेही रस्त्यावर त्याचा तो पडता कामा नाही। आणि जसे कोणा नाही दिसले, आपला फ्लॅग आपला रस्त्यावर पडलेला आहे, कचरा कुंडीत पडलेला आहे, नाहीतर कोण त्याचा वेगळा वापर करत असेल, तर त्याला तुम्ही तिथेच तुम्ही थांबवा। आणि प्लीज, माझा मनापासून तुम्हाला मी स्वतंत्र दिनानिमित्त तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो आणि प्लीज फक्त आपल्या देशाचा फक्त अपमान होणार नाही असे काही कृत्य करू नका आणि आपला फ्लॅग हा व्यवस्थित ठेवा आणि जर काम झालं तेव्हा आपल्या घरी वापस तो घेऊ। 15 अगस्त के इस मौके पर सभी देशवासियों को, भिवंडी शहरवासियों को मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन में मैं सभी भिवंडी के और सारे लोगों को मैं हार्दिक शुभेच्छा दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं और कहीं सुविधा इस देश के नागरिकों को अभी भी नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसी इच्छा प्रकट करूंगा, आशा व्यक्त करूंगा कि इस देश के राजनेता जो ये सुविधा उपलब्ध करा के देने की जिम्मेवार है, उनको सद्बुद्धि दे और ये सारी सुविधा इस जनता को मिले और जनता खुशहाल जिंदगी जिए, यही अपेक्षा करते हुए सबको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे एसटीएस न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।